हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फोर्थ के लिए मॉडल्स जो वर्ड है अंग्रेजी के मूल शब्द से बना है। मॉडल्स जो वर्ड है किससे बना है? अंग्रेजी के मूल शब्द से बना है। अब मूल का अर्थ आप समझते हैं। मूल का अर्थ होता है मन है स्थिति, यानी कि वे शब्द जो मन की स्थिति को दर्शाते हैं, वे शब्द जो मन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं मॉडल्स कहलाते हैं। लिख सकते हो आप, वे शब्द जो मन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं मॉडल्स कहलाते हैं। मन की स्थिति या फिर मस्तिष्क की स्थिति, यानी कि वे शब्द जो मन या मस्तिष्क की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल्स एक प्रकार की ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल्स एक प्रकार की ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, सहायक क्रियाएं हैं। मॉडल्स का यूज हम सहायक क्रियाओं की तरह ही करते हैं। जैसे कि I can do it, ये जो सेंटेंस है इसमें कैन मॉडल है, लेकिन कार्य सहायक क्रिया की तरह है, हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहा है, यानी कि मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू इट। आगे हम बात करते हैं प्रमुख मॉडल कौन कौन से हैं। प्रमुख मॉडल जैसे कि कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इस प्रकार के मॉडल्स का अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैन, यूज ऑफ कैन। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। इसका यूज वर्तमान काल की एबिलिटी कैपेसिटी पावर एनर्जी इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि I can solve this question, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। वर्तमान काल की क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। इस सेंटेंस का अर्थ है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं।
कैन ब्रेक, ही कैन ब्रेक ऑफ दिस स्टेप, वह इस लकड़ी को तोड़ सकता है। दे कैन ड्रिंक वाइन, वो शराब पी सकते हैं। ये सभी उनकी जो शराब पीने की क्षमता है उसे प्रदर्शित कर रहा है। लकड़ी तोड़ने की जो कैपेसिटी है, पावर है, वह इसको शो कर रहा है। इसलिए किसका यूज कर रहे हैं, पेन का। अगले से पैनल है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें प्रश्न को हल करने की जो कैपेसिटी है उसे इसमें शो किया जा रहा है। इसलिए सभी किसका यूज किया जा रहा है, कैन का। नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ते हैं, सॉरी इसी में कैन का यूज किया जाता है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए भी कैन का, परमिशन के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। परमिशन जो है दो प्रकार के होते हैं, परमिशन के लिए इसका यूज किया जाएगा। परमिशन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है औपचारिक परमिशन और एक होती है अनौपचारिक, एक यानी कि फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। यानी कि जो अनौपचारिक आज्ञा हेतु इनफॉर्मल इनफॉर्मल परमिशन के लिए इसका यूज किया जाएगा। इनफॉर्मल परमिशन कैसी होती है, जैसे कि आप अपनी क्लास में अपने किसी क्लासमेट से कोई वस्तु मांगते हैं कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। इस प्रकार की जो परमिशन है वो इनफॉर्मल परमिशन के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार की परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, जैसे कि कैन आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल को काम में ले सकता हूँ। कैन आई यूज योर बुक, कैन आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बोतल। इस प्रकार की जो परमिशन होगी उन सबके लिए किसका यूज किया जाएगा, कैन का यूज किया जाएगा। अगला मॉडल हम पढ़ते हैं, कुड। आगे देखते हैं,
could study for 6 hours. 6 hours when he was at school. When he was at school. यानी जब वह विद्यालय में था, विद्यालय में पढ़ता था, उस समय में 6 घंटे पढ़ सकता था. He could run 8 to 25 kilometers per hour when he was 26. यानी कि जब वह 26 ईयर का था तो वह 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड से दौड़ सकता था. आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट मॉडल है अपना मे. मे का अर्थ भी सकना ही होता है. कैन का अर्थ भी सकना, कुड का अर्थ भी सकना और मे का अर्थ भी सकना होता है. Use of may. इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं. अगला यूज जो है